गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं दी एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताया था, सो आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा उस वीडियो को। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करना है अधिक से अधिक। सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कहते क्या है, छह जगत वर्गीकरण प्रणाली कहा जाता है इसे हिंदी में। छह जगत वर्गीकरण प्रणाली, छह जगत वर्गीकरण प्रणाली, और ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है इसे, मॉडर्न भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं हम लोग कि 1990 में होता क्या है कि तीन वैज्ञानिक आ जाते हैं, जीव वैज्ञानिक कार्लोस कैंडलर और वीलिस नामक तीन बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि एक नई थ्योरी को प्रपोज करते हैं, जिस थ्योरी का नाम रखा जाता है सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि छह जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करते हैं। और वो करते क्या है कि जो आर्यज का पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली सिस्टम है, यानी कि फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसमें जो किंगडम मोनेरा है उस मोनेरा को डिवाइड कर देते हैं दो अलग अलग किंगडम्स में। दो अलग अलग किंगडम्स में मोनेरा को डिवाइड कर दिया जाता है। और कौन से जीव वैज्ञानिक करते हैं, कार्लोस कैंडलर और वीलिस, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। देखिए फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि फाइव किंगडम सिस्टम में क्या था, पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, और तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी, और पांचवा है एनिमेलिया। ये पांच किंगडम हमने पढ़ चुके थे। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मोनेरा है, मोनेरा इसे दो किंगडम में डिवाइड किया, दो अलग अलग। पहले किंगडम का नाम रख दिया गया आर्की बैक्टीरिया और दूसरे किंगडम का नाम रख दिया गया यू बैक्टीरिया। अब देखिए सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अलग अलग क्यों रखा गया। देखिए आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है कि पेप्टाइडोग्लाइकन, जो उसकी सेल वॉल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन जो है एब्सेंट होता है, जबकि उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें ब्रांचेड लिपिड, यानी कि साखित मतलब ब्रांचेड लिपिड प्रेजेंट होती है इस कारण से। और ये चीज़ें जो है मतलब कि इसमें क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है जबकि लिपिड नहीं प्रेजेंट होती है, नॉट प्रेजेंट होती है। इस कारण से क्या किया गया कि आर्की बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया से अलग कर दिया गया, मतलब पृथक कर दिया गया या डिवाइड कर दिया गया दो अलग अलग मोनेरा में, मतलब दो अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी तो आप इसे लाइक करते हुए चलिएगा, और इस सेशन में अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करते हुए चलिएगा। देखिए फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि मोनेरा को दो किंगडम्स में डिवाइड किया गया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। तो आर्की बैक्टीरिया में क्या था कि पेप्टाइडोग्लाइकन्स जो है एब्सेंट था सेल वॉल में, जबकि सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच लिपिड प्रेजेंट थी। जबकि यहाँ पे क्या था कि पेप्टाइडोग्लाइकन्स प्रेजेंट था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या था, एब्सेंट था। सो ये एबनॉर्मलिटीज थी जिसके कारण जो है एक दो अलग अलग किंगडम्स बनाने पड़े हमें मोनेरा में। और ये दो अलग किंगडम्स में जब चार किंगडम्स और ज्वाइन किए गए तो टोटली हमारे पास छह किंगडम्स बन गए, और इसलिए इस थ्योरी को नाम दे दिया गया सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए फिर से मैं नाम बताना चाहता हूँ, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये सिक्स किंगडम्स हैं जो बनाते हैं छह जगत वर्गीकरण प्रणाली। और ये छह जगत वर्गीकरण प्रणाली जो थ्योरी दी है वो दी है तीन वैज्ञानिकों ने, इम्पोर्टेंट है नाम इसको नोट डाउन करिएगा, कार्लोस कैंडलर और वीलिस ने 1990 में दिया था। हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक, डोमेन ऑफ लाइफ। क्या होता है ये डोमेन, ये जो डोमेन शब्द है यहाँ पे इसको मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि देखिए कार्लोस नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1990 में क्या किया, डीएनए की जीन सिक्वेंस के आधार पर ये बताया कि जो डोमेन होते हैं, मतलब कि डोमेन्स एक ऐसी कैटेगरी बनाई उन्होंने जो इन किंगडम्स से भी ऊपर थी, मतलब किंगडम्स से भी ऊपर की एक हायर कैटेगरी बनाई जिसका नाम उन्होंने रख दिया डोमेन, जिसका नाम क्या रख दिया डोमेन। और डोमेन्स उन्होंने तीन डोमेन्स बनाए, यानी कि थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं हम लोग, तीन डोमेन्स बनाए जिनमें से डोमेन फर्स्ट है यहाँ पे डोमेन
फर्स्ट, और डोमेन फर्स्ट का नाम है आर्की, जबकि डोमेन सेकेंड है यू बैक्टीरिया, यानी कि ये डोमेन सेकेंड है। और यहाँ पे यू कैरिया जो है डोमेन थर्ड है, यू कैरिया डोमेन थर्ड। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपके, देखिए आर्की बैक्टीरिया डोमेन फर्स्ट, डोमेन सेकेंड यू बैक्टीरिया, डोमेन थर्ड यू कैरिया, ये तीन तो डोमेन्स हैं, इसलिए इन्हें हम लोग थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ कहते हैं। अब देखिए आर्की में मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ, आर्की में तो आर्की में एग्जांपल हो जाएगा आपका आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया इम्पोर्टेंट है, याद करिएगा आप लोग, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। यू बैक्टीरिया में देखिए, यू बैक्टीरिया में क्या होता है, यू बैक्टीरिया तो पहले ही आ गया आपका, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग बीजीए के नाम से बुलाते हैं, बीजीए नीले हरे शैवाल, ठीक है, तो बीजीए हो गए। ये दो थ्री एग्जांपल स्क्रीन में याद रखना आपको। यूकेरिया में मैं बता देना चाहता हूँ, यूकेरिया में जितने भी फंजाई किंगडम है, फंजाई किंगडम्स को, वही प्लांटी किंगडम्स को, प्रोटिस्टा को भी आप लोग इसमें शामिल कर लेंगे, प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी और एनिमलिया, ये जो चारों किंगडम है इन चारों किंगडम्स को यूकेरिया डोमेन्स के अंतर्गत रखते हैं, जबकि यू बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया बीजीए को और आर्की में आर्की बैक्टीरिया को रखा जाता है। सो ये थी सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में और थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग केवल इतना ही जाने हैं कि सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता क्या है और किसने सबसे पहले ये प्रणाली या ये सिस्टम प्रपोज किया, इसके बाद थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ में डोमेन क्या है, कॉर्वस ने कैसे बताया सिक्वेंस, इसके बाद आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू कैरिया, ये तीनों ही डोमेन्स के बारे में हमने लीगली थ्रू समझ लिया है। सो स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक करिएगा और इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा।